हेलो, आज हम लोग जानेंगे कि आईसीआर का एडमिट कार्ड कैसे निकाले। एनटीए ने आईसीआर का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। अब मैं बताता हूँ कैसे स्टेप वाइज आईसीआर का एडमिट कार्ड कैसे निकालना है और एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले हम कोई ब्राउजर खोलेंगे और वहाँ पे एनटीए आईसीआर लिख देंगे, इसको सर्च करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहले जो आया है ICRNTANIC.IN, इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए न्यू पेज खुल गया। इसमें सबसे मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड UG लिखा हुआ, इसमें क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इंटर सिक्योरिटी पिन, ये सब के लिए आ गया। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन नंबर अपना लिख लेता हूँ, आप लोग अपना लिख लीजिए। आप डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपको आप अपना लिख लीजिएगा। तो इसमें सिक्योरिटी पिन का आ गया, तो सिक्योरिटी पिन में जो है नीचे जो ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है इसे क्या रिटाइप करना है। इसको सबमिट में क्लिक करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेड कलर का आ गया डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कीजिए, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। इसमें देख लेते हैं सेंटर कहाँ पे है और फिर क्या क्या लेके जाना है। सबसे देखिए यहाँ पे टेस्ट डिटेल में आइए, फिर देखिए आपका फोटो है आप ही का है ना, और नाम वाम सब चेक कर लीजिए कि सब कुछ हाँ करेक्ट है ना। अगर कुछ गलती हो तो एनटीए वाले को ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू उसको बताना है कि मैंने गलती है। सब्जेक्ट नेम देख लीजिए, आपको सही है PCM, किसी का PCB होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर टाइप में हिंदी मेरा है, किसी का इंग्लिश भी हो सकता है। डेट ऑफ एग्जाम देखिए सबका अलग अलग है, मेरा 22 सितंबर को है, आपको किस कभी और होगा। रिपोर्टिंग टाइम देखिए 7:50 AM है, सब अपना रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिएगा। और डेट और गेट क्लोजिंग टाइम भी, और एग्जाम का टाइम देखिए 9:30 से 12 बजे तक है। और एग्जाम का वेन्यू ऑफ टेस्ट यानी कि एड्रेस क्या है, आप लोग अपना अपना एड्रेस देख लेना कहाँ का है। और एग्जाम के एक दिन पहले जाकर पता करना है कि सेंटर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग अपना एक फोटो लगाइएगा, जो फोटो यहाँ पे एप्लीकेशन में लगा है उसी फोटो को यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे लेफ्ट थंब देना है, लड़का लड़की दोनों को लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन देना है। और यहाँ पे मम्मी या पापा का सिग्नेचर लगाना है, और यहाँ पे खुद का अपना साइन करना है। अब देखते हैं क्या क्या लेके जाना है सेंटर पे। सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, और फिर एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन जो कि आर पार दिखे, और एक फोटो सेम जो कि फोटो ये वाला फोटो जो कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में है, ताकि मतलब अटेंडेंस शीट पे उसको लगाया जाए। और एक सैनिटाइजर और वाटर बोतल ले जाए, वो भी ट्रांसपेरेंट में जो कि आर पार दिखे। बस इतना ही लेके जाना है, इतना ही काफी है। और एक हाँ, एक ID प्रूफ के तौर पे आपको या तो 12th का एडमिट कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, ई आधार कार्ड लेके जाइए, राशन कार्ड भी लेके जाइए, लेकिन किसी का फोटो कॉपी लेके नहीं जाइए, तो वैलिड ना, वो इनवैलिड हो जाएगा। और एग्जाम में केवल इसका ये 4 पेज है, केवल पहला पेज ही इसको ले जाना है ऐसे एडमिट कार्ड के रूप में। बस इतना ही करना है, आपका एग्जाम ठीक रहेगा।